हेलो इन वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड प्रीमियर लीग T20 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहां पर तेहरी टाइटंस वर्सेस हरिद्वार हीरोज के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के भी वीडियोस कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर ओडिशा T20 की फाइनल कल होने वाली, उसका मैच का भी वीडियो मिलेगा और भी कई सारी टूर्नामेंट के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 3 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, देखो ओवरऑल रन अच्छे बनते हैं, बाकी यहाँ पर अराउंड 140 से 150 के आसपास स्कोर बनना ही चाहिए। चेजिंग में यहाँ पर 22 मैचेस खेली गई थी, इससे मतलब 13 बार यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। हाईएस्ट की बात करो तो यहाँ पर 355 रन का स्कोर स्थगित किया गया है 30 ओवर्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है। लोएस्ट स्कोर की बात करो तो 32 रन 8 ओवर्स के अंदर, जो कि याज सिंह या से बिहार ने ही बनाया हुआ है। और बाकी यहाँ पर रन्स की बात करूँ तो अराउंड 140-150 के आसपास स्कोर बनना चाहिए। सबसे पहले ऐसे बात करते हैं टेहरी टाइटंस की, जो कि 3 मैच खेली जहाँ से 2 मैच जीती और 1 मैच हारी है। ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर वैभव भट्ट और यहाँ पर पीयूष जोशी दोनों ओपनिंग करवाए। और बात करें यहाँ पर वैभव भट्ट की, तो वैभव भट्ट ने अभी तक 29 और 53 जैसे 2 अच्छे स्कोर किए। ओवरऑल 24 मैच के करीबन 31 के एवरेज से 492 रन है। विकेट कीपर बल्लेबाज है, ट्राई कर सकते हो। पीयूष जोशी की बात करते हैं, राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। अभी तक दोनों मैच के इन्होंने भी ठीक ठाक स्कोर किए, मतलब 20 और 38 जैसे। 22 मैच के अंदर ओवरऑल करीबन 37 के एवरेज से 580 रन है, 9 विकेट भी निकाली है। तो यहाँ पर टीम को जरूरत पड़ने पर 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी भी करवा सकते हैं। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर आदित्य तारे की, देखो आदित्य तारे की बात करूँ तो ये मुंबई इंडियंस की तरफ से IPL में खेला हुआ है, और IPL में खेला हुआ है मतलब जस्ट मुझे एक मैच इनकी अभी भी याद है, जब मुंबई को क्वालिफायर होने के लिए कुछ बहुत ही कम ओवर्स के अंदर जीतना था, जिसमें से लास्ट बॉल के अंदर 5 रन की ज़रूरत थी मुंबई इंडियंस को। अगर वो 5 रन बना लेती है तो मुंबई इंडियंस जो है वो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में जाने वाली थी, और उसी दौरान यहाँ पर आदित्य तारे ने वो छक्का लगाया था, फिर वो टी शर्ट निकाल के पूरे ग्राउंड में दौड़े थे, अभी भी याद है मुझे। काफ़ी अच्छा प्लेयर यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज है, 117 मैच के करीबन 28 के एवरेज से 2361 से ज़्यादा रन है, और शायद यहाँ पर विकेट कीपिंग भी यहाँ पर आदित्य तारे ही करवाएंगे, टीम के कप्तान भी है, तो एज अ प्लेयर यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग। इवन बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकती है, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हैं। प्रशांत चौहान की बात करूँ तो ये बैटिंग से 4th नंबर पर खेल रहे, साथ में ओवर्स वगैरह करवा रहे, लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था। देखो इनका लास्ट मैच अबांडों ने जरूर हुआ था, लेकिन इन्होंने गेंदबाजी पूरी की थी, तो यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए एक विकेट निकाला था। पहले दोनों मैच के अंदर एक बार यहाँ पर 18 रन के साथ एक विकेट निकाला पहली मैच के अंदर, इसके बाद दूसरी मैच की बात करूँ तो 3 ओवर्स की गेंदबाजी की जहाँ पर वो विकेट ले सके। ओवरऑल 35 मैच के अंदर करीबन 32 के एवरेज से 879 रन है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, 3 से 4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करेगा, 35 मैच के अंदर 30 विकेट्स भी निकाली हुई है। अखिल रावत की बात करो तो ये भी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से ही दिखेंगे, 33 और 24 जैसे तो ठीक ठाक स्कोर किए हुए, तो यहाँ से रिस्क लेना चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, और अगर यहाँ पर वैभव भट्ट, आदित्य तारे और अखिल रावत तीनों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे तो बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आदित्य तारे को तो हम लोग लेके ही जाएंगे, बाकी वैभव भट्ट जो कि अच्छे टच में और यहाँ पर अखिल रावत भी ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन होने वाली है। विशाल दंगवाल ओके रहेंगे यहाँ पर। इनके अलावा ऐसे शिवा सोनी की बात करते हैं तो शिवा सोनी ने पहले मैच के लिए एक विकेट निकाला था, दूसरी मैच के अंदर वो विकेट ले सके। ओवरऑल 62-62 मैच के अंदर करीबन 35 के वजह से 1683 रन है, 20 विकेट है, तो आई थिंक यहाँ पर 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी हर एक मैच के अंदर पूरी करवाएगा, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर शिवा सोनी के ऊपर। लेग ब्रेक गेंदबाज है, मिडल ओवर्स में अपनी गेंदबाजी पूरी करेगा। हर्ष राणा की बात करो तो ये भी यहाँ पर पूरी ओवर्स करवाएंगे, 3 से 4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी
खेलेंगे। ओवरऑल 93 मैच के अंदर 90 विकेट है और करीबन 35 के एवरेज से आप 2700 से भी ज़्यादा रन है, तो बैटिंग से भी ऊपर आ सकते हैं, तो ये प्लेयर को जरूर लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे प्रशांत भाटी जो कि 62 मैच के अंदर 71 विकेट है और ये बंदा स्टार्टिंग और डेथ में दोनों में आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा ऐसे प्रशांत भाटी को। बाकी हरजीत सिंह जो कि कंसिस्टेंट विकेट निकाल रहे हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, 38 मैच के अंदर 71 विकेट इनके T20 के अंदर है, और लेफ्ट आर्म ऑफ ऑर्डर गेंदबाज है, काफ़ी अच्छी विकेट टेकिंग कैपेसिटी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस लेवल से उन्होंने अभी तक का परफॉर्मेंस किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। और सुमित जुएल की बात करूँ तो ये भी यहाँ पर डेथ ओवर में आते हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, 4 मैच के अंदर 6 विकेट है जिसमें से 4 विकेट तो यहाँ पर ही है। स्टार्टिंग में यहाँ पर हरजीत सिंह के साथ यहाँ पर एस जुएल, डेथ ओवर में यहाँ पर एस जुएल के साथ प्रशांत भाटी डेथ में डाले थे। और बाकी यहाँ पर बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हरिद्वार हीरोज की बात करते हैं, 4 मैच खेली और 4 ही मैच हारी है। ओपनिंग में मुकेश गुप्ता के साथ कुणाल बिल सिंह ओपनिंग करवाए। मुकेश गुप्ता की बात करूँ तो ओवरऑल दोनों मैच के अंदर ठीक ठाक स्कोर किए, तो अगर कोई चॉइस मिले तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज की मैच के लिए मैं यहाँ पर कुणाल बिल सिंह के ऊपर रिस्क लेने वाला हूँ, मतलब इनको ड्रॉप करने का रिस्क। हालांकि इन्होंने शुरुआत यहाँ पर 88 रन से की थी लेकिन इसके बाद 3 मैच के अंदर कुछ खास किया नहीं है, तो रिस्क ले सकते हो आप लोग भी, या चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन याद रहिएगा क्योंकि बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकती है। कल के मैच के अंदर भी हमने देखा था करीब 35-40% लोगों के कप्तान थे यहाँ पर कुणाल बिल सिंह, इनके पास यहाँ पर कैपेसिटी भी है, यहाँ पर 88 रन पहली मैच के अंदर किए थे, तो मतलब कि इनके पास काबिलियत भी है, तो इनके ऊपर आप लोग चाहो तो भरोसा भी कर सकते हैं। बाकी कमल सिंह की बात करूँ तो इन्होंने पहली दोनों मैच के अंदर ओपनिंग करवाया और दूसरी दोनों मैच के अंदर वन डाउन खेल रहे हैं। जहाँ पर ओपनिंग करवाया था वहाँ पर कुछ खास नहीं किया, लेकिन जहाँ पर वो वन डाउन खेले वहाँ पर 20 और 44 जैसे रन जरूर किए, साथ में ओवर्स भी करवा रहे, तो ट्राई कर सकते हैं, पर लेके जा सकते हैं। बाकी आर्यन शर्मा की बात करूँ तो ये भी ठीक ठाक है, यहाँ पर 62 रन लास्ट मैच के अंदर 28 रन, बाकी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, रिस्की रहेंगे थोड़े से, ट्राई कर सकते हैं। वैसे स्मॉल लीग के अंदर बहुत सारी पब्लिक लेके आएंगी। अभय नेगी जो कि टीम के कप्तान है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इनके बॉलिंग से आंकड़े अच्छे हैं लेकिन अभी तक बॉलिंग करवाई नहीं इन्होंने 4 मैच के अंदर, बैटिंग से लास्ट मैच के अंदर 32 रन की एक अच्छी पारी खेली, ट्राई कर सकते हो। बाकी स्पर्श जोशी वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, 1 विकेट यहाँ पर 41 रन और लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट। इनके अलावा से बात करो गौरव नेगी, तो गौरव नेगी ने लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाली थी 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, ओवरऑल 34 मैच के अंदर 22 विकेट है, करीबन 17 के एवरेज से 400 रन भी किए, तो बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो थोड़े बहुत रन भी कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हो। हालांकि बैटिंग बॉलिंग से इतने अच्छे आंकड़े नहीं, और वैसे भी पहली मैच जब खेले थे तब यहाँ पर ओवर्स भी नहीं करवाई थी। संजीत सजवान को तो लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनता नहीं है, विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगी जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है। अभिषेक रावत जो कि 22 मैच के अंदर 23 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर 21 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, लेकिन ये 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं। इनके अलावा ऐसे प्रज्वल रावत ने लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, आदित्य शेमवाल ने 1 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, तो आई थिंक यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर 1 या 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाता हुआ दिखेगा आपको, तो दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क ले सकते हो, तीनों में से किसी 1 या 2 प्लेयर के ऊपर। सिरोहा इंपॉर्टेंस रहेंगे क्योंकि ये डेथ में और स्टार्टिंग में दोनों में आते हैं, तो सिरोहा के ऊपर हम लोग रिस्क लेंगे। और बाकी यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर्स की बात करूँ तो एस सिरोहा के साथ एस जोशी डेथ ओवर्स में भी यहाँ पर ये दोनों ही रहेंगे। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी दे सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग से 2 तो लिए मैंने यहाँ पर, आदित्य तारे और वी भट्ट, लेकिन आप लोग यहाँ पर ए रावत को भी ले सकते हो, इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक का, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर के सिंह रहेंगे, पी जोशी रहेंगे, अभी मैंने यहाँ पर एस जुएल को लिया जिनका यहाँ पर आपको -2 पॉइंट्स दिखता होगा। देखो अभी इनकी 3 मैच हुई है जहाँ पर पहली मैच के अंदर इन्होंने 1 विकेट निकाली थी, दूसरी मैच के अंदर इनकी थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, और यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स मेंशन है वो दूसरी मैच वाले मेंशन है। लास्ट मैच जो अबांडोनेट हुई वहाँ पर 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 3 विकेट निकाली है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर तो नहीं दिखा रहे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेंगे जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 91 पॉइंट्स दिखेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बैटिंग सेक्शन से हम लोग यहाँ पर एस जुएल को लेके जाएंगे, यहाँ पर आर्यन शर्मा हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी के सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं वीडियो के अंदर। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर एच सिंह और एस सिरोहा हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी आप लोग यहाँ से वी डंगवाल तो थोड़े से रिस्की रहेंगे लेकिन ए नेगी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो पी चौहान, पी भाटी और इसके साथ यहाँ पर एस जोशी हमारी टीम के अंदर रहेंगे, और यहाँ पर अदर ऑप्शंस थोड़े से रिस्की जरूर है। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान रहेंगे हमारे यहाँ पर पी चौहान और वाइस कैप्टन रहेंगे एस जोशी। पब्लिक चॉइस की बात करते हैं, पब्लिक का भरोसा यहाँ पर
पी जोशी के ऊपर है। बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर रही है, हालांकि बैटिंग से ऊपर जरूर आ रहा है लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक का कि हम लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिए। ओवरऑल आंकड़े अच्छे हैं तो ट्राई करना चाहो तो आप भी इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दोनों जो प्लेयर है आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे और इवन यहाँ पर विकेट टेकर गेंदबाज है, तो इसके लिए इन दोनों के ऊपर भरोसा किया है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी आदित्य तारे एक बड़ा नाम है तो इनके ऊपर भी रिस्क ले सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे जो टीमें डेमो है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है, फाइनल लाइन आपके बाद तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।